भारत सरकार के कृषि एवं ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में रायसेन में जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति की बैठक हुई है। इसमें प्रधानमंत्री आवास योजना, मनरेगा, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, जल जीवन मिशन और अन्य योजनाओं की समीक्षा की गई। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निर्देश दिए कि सभी योजनाओं का बेहतर क्रियान्वयन समय सीमा में हो और कोई पात्र व्यक्ति लाभ से वंचित न रहे। तो वहीं स्व सहायता समूहों को सक्रिय करने, ग्रामों को गरीबी मुक्त बनाने और जल जीवन मिशन को प्रभावी रूप से लागू करने पर जोर दिया। बैठक में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों ने भी सुझाव दिए हैं। रायसेन जिला समृद्ध बने, विकसित बने और विकास और जन कल्याण की दृष्टि से आदर्श जिला बन जाए, ये संकल्प है। और इसी संकल्प की पूर्ति के लिए आज हमने जनप्रतिनिधि मित्रों के साथ जिले के अधिकारियों से चर्चा की है। प्रमुख रूप से दो चीजें, एक जो जारी योजनाएं हैं उन योजनाओं का ठीक क्रियान्वयन, भारत सरकार की जितनी योजनाएं, चाहे प्रधानमंत्री आवास योजना हो, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि हो, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो, आजीविका मिशन की योजना हो, शहरी आवास का सवाल हो, कृषि से संबंधित योजनाओं का लाभ हो, आज अनेकों योजनाओं की जिनकी सूची आपको उपलब्ध करवा देंगे, आज हमने समीक्षा की है। जल जीवन मिशन भी बहुत महत्वाकांक्षी योजना है, उसकी भी हमने समीक्षा की है। फिर सॉइल हेल्थ कार्ड जैसे विषय जो कृषि के उत्पादन को बढ़ाने में बहुत सहयोगी है, आयुष्मान भारत योजना, अनेकों योजनाओं पर हमने आज चर्चा की है। और चर्चा करके अब तक जो प्रगति है, लक्ष्य क्या थे, लक्ष्य की पूर्ति किस सीमा तक हुई है, उस पर हमने चर्चा की है। कुछ योजनाओं के क्रियान्वयन पर हमें संतोष है और कुछ ऐसी है जिनमें सुधार की बहुत गुंजाइश है। सब पॉइंट आउट की है, अफसरों को निर्देश दिए हैं और एक निश्चित समय सीमा के बाद हम फिर बैठक करेंगे। मैंने ये भी तय किया कि कुछ चीज जमीन पर देखनी चाहिए, तो आज लखपति दीदी से संवाद के साथ साथ प्रधानमंत्री आवास का मकान भी देखेंगे और जल जीवन मिशन की योजना भी देखेंगे। जैसे एक हम लोगों का संकल्प है, गरीबी मुक्त गांव बने। और गरीबी मुक्त गांव का मतलब यह है कि गांव में हर एक के पास रोजगार। लखपति दीदी योजना के अंतर्गत स्व सहायता समूह के माध्यम से रोजगार, फिर जो बिरसा मुंडा उत्कर्ष ग्राम योजना है उसके अंतर्गत जनजातीय गांव, उनमें संपूर्ण योजनाओं का क्रियान्वयन और लोगों को रोजगार। गरीबी मुक्त गांव का मतलब यह कि हर परिवार रोजगार युक्त हो। हमने तय किया कि अभी विधायक साथीगण अपने क्षेत्र में एक एक गांव पहले तय करेंगे और वहां योजनाओं का आदर्श क्रियान्वयन करेंगे। हम दोनों तरह की चीजें, एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर, चाहे धान हो चाहे सोयाबीन, ये खरीदी जाए, इसकी भी हम लोगों ने चर्चा की है। सोयाबीन की खरीदी जाती है, पहले मॉइस्चर का मामला आया था कि 12% अलाउ था, वो बढ़ा के हमने 15% कर दिया ताकि किसी किसान का सोयाबीन रह ना जाए, उसको हम समर्थन मूल्य पर खरीद लें। धान की भी समर्थन मूल्य पर पूरी तरह से खरीदी होगी
आपने मंडी की समस्या के बारे में बताया, उसका समाधान जरूर निकालेंगे। शराब बंपर है लेकिन उसका समाधान मंडी का निकालना।